एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा। एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आप बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बड़ी फैन हूँ एंड जो भी आज कुछ मैं हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हूँ। जो भी मेरी करंट रियलिटी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप बहुत नेगेटिव थॉट्स कर सोचते हो या फिर बहुत उन पर प्रेशराइज करते हो, क्या होगा, कैसे होगा अगर ऐसा हो गया, तो जो भी आप यू नो चीज़ें सोच रहे हो, आप अपना फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड जो भी आप करंटली हो, लाइफ जी रहे हो, वो आपने पास्ट में कभी सोचा होगा तो आप उसे करंटली जी रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 2400 घंटे काम करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप यू नो क्या अच्छा सोच रहे हो, क्या बुरा सोच रहे हो। एनर्जी इज एनर्जी, कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है, बस एनर्जी एनर्जी है। अगर आप अच्छी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में दोगे, अच्छे थॉट्स यूनिवर्स में दोगे, तो अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी। नेगेटिव चीज़ें सोचोगे, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप बहुत नेगेटिव पर्सन हो तो आप नेगेटिव सिचुएशंस को, सर्कमटेंसेस को और अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ और मैनिफेस्ट करोगे। ये बहुत सिंपल सा तरीका है एंड प्लीज़ इसको समझ जाओ। अगर आप अभी भी बहुत नेगेटिव हो, डेस्परेट हो, लव लाइफ से, मनी से रिलेटेड कुछ भी, एनी सिंगल थिंग, आप यू नो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में और चीज़ें ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जिस चीज़ पे फोकस जाएगा वो चीज़ और ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। तो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना भी चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, अपने थॉट्स पे ध्यान दो। जहाँ आपने अपने थॉट्स को चेंज किया वहीं पे चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक रियलिटी है, एक ट्रुथ है, अगर आप इसको समझोगे। एनर्जी वर्क है, सारा का सारा एनर्जी वर्क है, ठीक है। तो जैसे पर्सन आप हो वैसे ही एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे अपनी तरफ। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की एक और विश फुलफिलमेंट टेक्निक के बारे में। मैंने काफ़ी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में बात की हुई आप लोगों से, मैंने बहुत सारी टेक्निक शेयर की है इनफैक्ट अपने चैनल पे। एंड आई नो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सी टेक्निक करें, कौन सी ना करें, क्या सारी कर लें। सी, गो विद योर इंट्यूशन। बाय द वे, मैं उनमें से हूँ, मैं मल्टीपल टेक्निक्स एक विश पर अप्लाई करना पसंद करती हूँ। बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करते हैं, कहते हैं कि आप एक टेक्निक करो एंड उसके बाद लेट गो कर दो, एंड इट्स टोटली फाइन। मेरा तरीका डिफरेंट है, औरों का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो जो चीज़ मेरे लिए बेस्ट काम करती है मैं वो करती हूँ, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट काम करती है आप उस चीज़ को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है स्पेसिफिक चीज़ में, जो आपको इंट्यूटिवली सही लगता है आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक 15 डेज रिचुअल है एंड 15 डेज में जो भी आपकी विश है वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। अगर कोई ऐसी विश है जो यू नो दो तीन मंथ्स बाद पूरी होनी है, सपोज करें आपका कोई एग्जाम है वो दो महीने बाद है, तो ऑब्वियसली बात है वो भी ऐसे पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ये 15 डेज का रिचुअल है एंड आपने सुना होगा 5-5-5 टेक्निक आपने सुनी होगी, 3-3-3 टेक्निक आपने सुनी होगी, 4-4-4 टेक्निक आपने सुनी होगी, 2-2-2 टेक्निक आपने सुनी होगी। ये जो टेक्निक्स है ये इतनी पावरफुल है, ये इतनी पावरफुल है कि आपकी कोई भी विश हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको मोल्ड कर सकती हैं। ये बेसिकली आपके सबकॉन्शियस पे काम करती हैं एंड आपकी रियलिटी में उस चीज़ को मैनिफेस्ट करती हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं बट ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकती हैं। अगर आप कोई एक टेक्निक को पकड़ के भी उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे उस पर एंड उसको मास्टर कर लोगे तो आपको वो और फायदा देगी, ठीक है। जिस टेक्निक को आप मास्टर कर लोगे तो ऑब्वियसली वो और जल्दी आपके लिए काम करेगी। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग मल्टीपल टेक्निक्स ये भी वो भी, आप एक काम कर सकते हो, आप एक टेक्निक ऐसी पिक करके चलो जो कि आपको हर सिचुएशन में हेल्प करे, लाइक स्क्रिप्टिंग हो गया, फिर ऐसी कोई टेक्निक हो गई। तो आप यू नो नॉलेज के लिए आप हर एक चीज सुन सकते हो, आप देख सकते हो, बट आप वो चीज करो जो आपको करना है, जो आपको इंट्यूटिवली आता है कि हाँ ये टेक्निक मेरे लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो टेक्निक औरों के लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी हो, राइट। तो आप इंट्यूटिवली देखो आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है एंड उस हिसाब से अपनी मैनिफेस्टेशंस पे काम करो। तो बेसिकली इस टेक्निक पे क्या करना है आपने, ये 15 डेज का रिचुअल है, आपने सिंपली एक पेन लेना है एंड एक नोटबुक लेनी है, डायरी, कोई भी नोटबुक आप ले सकते हो। कोई ऐसे रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने कोई अच्छी फैंसी डायरी लेनी है, सिंपल कोई नोटबुक होगी वो भी चलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपकी जो भी विश है आपने उसको एफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। सपोज करें कि आप कहीं भी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, आप सिंपली एफर्मेशन बनाइए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं इस ट्रिप से होके आ चुकी हूँ, ठीक है। यानी कि वो चीज़ एक्चुअली में हो चुकी है, हम ऐसा उसको दिखाएंगे उस एफर्मेशन में, सपोज ट्रिप की बात है। या फिर सपोज करें कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये ड्रेस मिल चुकी है,
आप ये भी कर सकते हो, या फिर थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरा ये काम हो चुका है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इस एक्स वाई जी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इस कंपनी में जॉब मिल चुकी है। आप इसमें एडिशनली एक और चीज कर सकते हो, आप जैसे ये एफर्मेशन बनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरा ये काम हो चुका है, एंड में आप 1176 लगा दो। ये जो एंजल नंबर है ये अपने आप में एक विश फुलफिलमेंट नंबर है, एंड ये कोई भी ऐसी विश नहीं है जो पूरी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप इस एफर्मेशन को ऐसे 1176 के साथ माइंड कर देते हो तो आपको और अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी खुद की एफर्मेशन तैयार, एंड आप अपने हिसाब से एफर्मेशन बनाओ, आप जितना प्रिसाइज होना चाहते हो आप हो सकते हो। सपोज करो आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे पास इतनी मनी आ चुकी है एंड 1176। आप एक और चीज यहाँ ऐड कर सकते हो, मुझे इतनी मनी आ चुकी है इन अ गुड वे और समथिंग इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि कई बार ना मनी मैनिफेस्टेशन या फिर वेट लॉस वाले जो स्पेल्स होते हैं वो कभी भी बैकफायर कर देते हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। आपको हमेशा अपने माइंड में ऐसी इंटेंशन रखनी है गुड और बेटर, या फिर पॉजिटिव वे में या फिर अच्छे वे में हमें वो चीज़ चाहिए, हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आप इस चीज़ को माइंड में रख के ही एफर्मेशन को बनाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कोई भी एक फिक्स्ड टाइम चूज कर लीजिए, ठीक है। आप इसको दोपहर के 15, आप इसको दोपहर के 3 बजे कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू आप इसको दोपहर के 3 बजे कर सकते हो, अगर आपका पॉसिबल नहीं है 3 बजे करना तो आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। आपने इस एफर्मेशन को 15 टाइम्स लिखना है, एंड मेक श्योर आपका माइंड काम हो, शांत हो। अगर आपका माइंड शांत नहीं है, आपकी वाइब्रेशंस लो है, तो इससे पहले आप मेडिटेशन कर लें, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लें। आप जितना खुश होके फन तरीके से मजे के इसको मजे में लेके करेंगे ना, वो उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा। आपकी वाइब्रेशंस यहाँ बहुत मैटर करती हैं। सोचे कि ये चीज़ आपकी हो चुकी है, इट इज़ ऑलरेडी डन, एंड आप जितना खुश होके एज अ थैंकफुल वे में आप उसको करोगे तो आपके लिए आपकी विश के लिए उतना अच्छा है। आपने क्या करना है, इसको 15 बार लिखना है बोलते बोलते, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरा ये काम हो चुका है 1176, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरा ये काम हो चुका है 1176, 15 बार लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आएगा, या तो आप सेम टाइम पे ले सकते हैं, 3 बजे आप कर सकते हैं, या फिर 3 बजे इज नॉट मैंडेटरी, बट 3 इज लाइक व्हाट 15 बोलते हैं उसको, राइट। 3 बजे इज नॉट मैंडेटरी, बट हाँ अगर आपका पॉसिबल हो सेम टाइम पे, या फिर 3 बजे कर सकते हो, या फिर जब भी आपके पास टाइम आप कर सकते हो, तीनों ऑप्शन सही है, बट आप वो करो जो आपका दिल बोलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने फिर से सेम एग्जैक्ट डिट्टो एफर्मेशन को 15 बार लिखना है, बोल बोल के, फील कर करके, विजुलाइज कर करके, अच्छे से धीरे 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 एक एक वर्ड को देखना है आपने कि हाँ ये काम हो चुका है। मेक श्योर सारा का सारा फोकस आपको होना चाहिए, एंड आप इसे एज अ फन टेक्निक लो। आप जितना इसे खुश होके फन की तरह लोगे उतना ही आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा है। थर्ड डे होगा, फिर से आपने इसको करना है परफॉर्म, ऐसा आपने 15 डेज तक करना है। उसके बाद आपने 15 डेज के बाद इस डायरी को बंद करना है, एंड कहीं छिपा के इसको रख देना है, ठीक है, इसके बारे में भूल जाना है। आपकी विश धीरे धीरे अपने आप रियलिटी में आनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड आपको साइंस एंड सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, फेदर्स, एंजल्स के नाम, ये सब साइंस आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये आपकी हेडेक नहीं है, यूनिवर्स है वो को देख लेंगे। आपको सिर्फ आपने कर दिया है, आपने अपनी इंटेंशन का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है। जैसे हम अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, वी नो कि हमारा जो ऑर्डर है वो डेफिनेटली आएगा, हम केयर फ्री होकर कभी कभी उसके बारे में भूल भी जाते हैं, राइट। तो आपने ऐसे ही करना है, अपना ऑर्डर प्लेस करना है एंड उसके बारे में भूल जाना है, फिर जो होगा यूनिवर्स आपको खुद देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी ये टेक्निक बहुत मैजिकल है, बहुत ही अमेजिंग है। सी, आप जब रिपीटेशन करते हो, आप उसे लिखते हो, आप उसे ध्यान से, जब आप लिखोगे आपको उसके वर्ड्स को भी ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि बोल बोलना है, हर एक वर्ड को जो आप लिख रहे हो उसको ध्यान से देखना है, उसको अपने सबकॉन्शियस पे उतरने दो। मुंह से बोल रहे हो, आंखों से देख रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस पे और जल्दी इम्पैक्ट डालेगा, वो चीज़ आपकी और जल्दी रियलिटी में आएगी। शर्त क्या है, नेगेटिव नहीं होना है, डाउट नहीं करना है, एंड बिल्कुल उसको लेट गो कर देना है, समझो आपका काम हो चुका है। एंड सपोज आपका एग्जाम है, कुछ भी है, उस पर अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हो करो, बाकी यूनिवर्स आपको जो लक फैक्टर है वो हैंडल कर लेगा, आपने इस चीज का ध्यान देना है। बट अगर आप खुद ही मेहनत नहीं करोगे, आप खुद ही एक्शंस नहीं लोगे, तो फिर यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। जो स्पेल वर्क्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, रेमेडीज होती हैं, ये तभी आपके
लिए काम करती थी जब आप खुद की हेल्प करते हो, ठीक है? बैठे बिठाए कोई ऐसे नहीं करता है, राइट? हर एक को इंसान को मेहनत तो करनी होती है, बट ये आपके लक में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो ज़रूर इसको ट्राई करें, ये बहुत सिंपल एंड बहुत ही पावरफुल टेक्निक है एंड आई एम श्योर आप इसे बहुत पसंद करेंगे। 15 डेज का रिचुअल है, बट अगर आप यू नो 15 डेज वाले नहीं हो, 15x15 आप इसे नहीं करना चाहते हो, आप कोई और टेक्निक कर सकते हो। आप 555 कर सकते हो, 333 कर सकते हो, 222, 111 कर सकते हो, 777 कर सकते हो, 999 कर सकते हो। अगर आपको एक और टेक्निक करनी है, आप 21x21 कर सकते हो। मैंने अभी कुछ डेज पहले उसको पोस्ट किया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स जो है ये बहुत ही पावरफुल है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ट्रू। अगर आप उस पर बिलीव करोगे, आपको ट्रस्ट मी चीज़ें अपनी लाइफ में होती हुई दिखेंगी। एंड ऐसा नहीं कि कोई मैजिशियन है वही चीज़ें कर सकता है, अगर आपके पास माइंड है तो आपके पास पावर भी है एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की। तो डू ट्राई दिस टेक्निक एंड ट्रस्ट मी इट विल रियली हेल्प यू, ठीक है? सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा एंड अगर आप इसे ट्राई करती हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन बिलो। एंड अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, कुछ भी आपका फीडबैक है, जैसा भी, आप इसे नीचे शेयर करें जिससे जो और लोग हैं उनको भी हेल्प हो। वी डोंट नो आपका एक पॉजिटिव कॉमेंट किसकी कहाँ कैसे हेल्प कर जाए, तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करें एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।